वेलकम टू माय चैनल न्यू सिलाई फैशन में। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छी घेरदार सलवार बनाना। देखिए हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। ये पहले मैं सलवार में किस चीज़ की कटिंग करनी होती है, हमें पहले कपड़े को खोलना है और इस तरीके से हमें जो हमारा अर्थ होता है पहले उस बेल्ट में बेल्ट निकालनी होती है। हमारी बेल्ट की लंबाई है, बेल्ट की लंबाई हमें 9 इंच लेनी होती है। हमारी बेल्ट की लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई 19 इंच है। इसको और फोल्ड करेंगे ताकि हमारा कपड़ा एकदम, ये हमने 9 इंच की बेल्ट पर निशान लगाया है। हमें हमारी बेल्ट ये 7 इंच की तैयार रखनी है। आधा इंच हमारी नीचे की तरफ सिलाई में चली जाएगी, बची हमारी 8.5 इंच। हमें 7 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है। हमें ये कपड़ा, इतना कपड़ा हमें मोड़ना है, फोल्ड करना है। हम इसे काट देंगे फिर हम सलवार की कटिंग करेंगे। ये सलवार के लिए हमने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। हमें भी सलवार की लंबाई नापनी है। हमारी सलवार की लंबाई है, हमारी सलवार की लंबाई है 39 इंच। इसके लिए हमें 7 इंच हमें बेल्ट के लिए ऊपर की तरफ निकालना है। अब हमें अपनी सलवार की लंबाई नापनी है। यहाँ पर हमारी 39 इंच सलवार की लंबाई है। पहले हमें 7 इंच ऊपर की तरफ जरूर निकालना है बेल्ट के लिए, फिर हमें सलवार की लंबाई नापनी है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। अब जो हमारा बाकी का कपड़ा है इसको हमें की तरफ निकाल लेना है। पहले हमें यहाँ पर अपनी सलवार की लंबाई नापनी है। ये जो हमारा बाकी का कपड़ा है हम निकाल देंगे इसको। ये हमारी सलवार का उसको सलवार की लंबाई में हमें 6 इंच के पार्ट फोल्ड करने हैं। यहाँ से हमने ये 6 इंच के पार्ट फोल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। हमें इस तरीके से 2.5 इंच का लगाया हमने उधर निशान, उधर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए उधर की साइड में भी 9 इंच के निशान लगाना है। ये हमारे सलवार के निशान लग चुके हैं, ये पार्ट हमें खोल देने हैं। कली हमें इससे जोड़नी है इस तरीके से।
रेखा जोड़नी है। ये हमारी बेल्ट है। फ्रेंड्स, आपको हमारी सलवार की कटिंग पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।